4, 3, 2, 1, मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन जो कह रहा है कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस वन अपॉन कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस वन इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है हमारे को। तो ये स्टूडेंट्स वही है, हमने पहले भी इसके बारे में बताया, ये वन कन्वर्टिंग वाला क्वेश्चन है। इसको हम वन कन्वर्टिंग वाली टाइप में डालते हैं, क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रिक से होता है, पहले भी हमने इसके कुछ वीडियोज करे हैं। इस वाले वन को हम कॉसेक और कॉट के रिलेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। वन को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस इसको वन को क्या लिखा हमने, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली चीज ऐसे की ऐसे लिख ली, कॉट ए माइनस का कॉस ए के और प्लस वन। अब इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, तो जाएगा कॉट ए प्लस कॉस ए के। इसमें अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए ए प्लस कॉट ए और कॉस ए के माइनस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस वन। अब हम देख रहे हैं इसमें पूरे में से हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉस ए ए प्लस कॉट ए अगर पूरे में से कॉमन आ रहा है तो ये बच रहा है वन, और ये माइनस ये बच रहा है कॉस ए के प्लस कॉट ए, और ये जो जाएगा ये हो जाएगा मेरा कॉट ए माइनस का कॉस ए के प्लस वन। अब हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम है, दिख रहा है आपको ये एग्जैक्टली सेम है, तो इससे ये नमस्ते हो जाएगा कॉस ए के प्लस कॉट ए। कॉस ए के का मतलब क्या होता है, कॉस ए के का मतलब होता है वन अपॉन साइन ए, प्लस कॉट ए का क्या मतलब होता है, कॉट ए का मतलब होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर हम इसमें साइन ए कॉमन ले लें, नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें, इसका मतलब तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा वन प्लस कॉस ए, और आप देखेंगे कि मेरे को यही प्रूफ करना था। तो आपने देखा कि किस तरीके से वन कन्वर्टिंग वाला क्वेश्चन होता है। हाँ, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो ये इसका बेस्ट तरीका है, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और हाँ अगर कुछ डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।